में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती माध्यमिक शिक्षा विभाग में श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक श्री दीपक कुमार जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, अध्यापकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने समग्र विकास की जो एक अवधारणा होती है उसको साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास किया है। कल आपने देखा होगा नीति आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश से गरीबी से मुक्त करने के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, यानी 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश से लगभग 5.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी वे सक्षम बने हैं, गरीबी से मुक्त होकर के सक्षमता की ओर आगे बढ़े हैं। नीति आयोग ने इसके लिए जो पैरामीटर तय किए थे उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर था शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और आने वाले 5-7, 7-10 साल में इसके और बेहतरीन परिणाम आएंगे। अभी से जो परिणाम आ रहे हैं बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने इस सकारात्मक पहल में आगे आकर के इसे नेतृत्व दिया, इसकी ऑनरशिप ली और आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आपने देखा होगा कल शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे खास तौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे उसमें व्यापक परिवर्तन आए। आज समाचार पत्रों में आप थोड़ा देखना, उसमें नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं बहुत परिवर्तन हुए हैं और सचमुच ये परिवर्तन के आप सब वाहक हैं। इसके लिए मैं उन सभी विभागों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को अपने विभाग का मिशन बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में योगदान दिया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बेसिक शिक्षा परिषद यहां पर आया है और इनमें आपने देखा होगा कि अभी अनेक कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों के बारे में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने भी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री जी ने भी अपनी बात को बहुत विस्तार से आपके सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55-60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी जो लगभग 1 करोड़
30 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से आठवीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 को पार कर चुकी है और इस संख्या को अभी बढ़ाने के साथ साथ ड्रॉप आउट को लगातार कंट्रोल करना, क्योंकि अक्सर होता है पांचवी के बाद आठवीं के बाद ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और खासतौर पर बेटियों के मामले में ज्यादातर देखने को मिलता है, अभिभावक नहीं भेजते, उसका समाधान का रास्ता भी निकाला गया। लेकिन शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प को एक ऑनरशिप लेकर के उसको सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, सोचिए कोई बेसिक शिक्षा परिषद को पहले देने की बात करता था क्या? आज लगभग 250 करोड़ रुपए की आपको सीएसआर में निधि मिली, जिनमें 6 ग्रुप को अभी यहां में सम्मानित किया, तो बहुत बड़ी राशि है। आप सोचिए कि उन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, वे देना चाहते थे लेकिन पहले कोई लेने वाला नहीं था क्योंकि कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं था, कोई ये तैयार नहीं था कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये जानने को तैयार नहीं था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारा सबसे पवित्र मंदिर वह होना चाहिए जहां से हमारा परिवार चल रहा है, हमारी आजीविका चल रही है, सबसे पवित्र स्थल वह हमारा होना चाहिए। और जब यह भाव हमारे अंदर आ जाए तो हम वास्तव में अपनी ऋषि परंपरा की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने हमें इस बात की प्रेरणा दी कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, जिसने हमें इस बात की शिक्षा दी कि जो हम सबको उन सभी पवित्र भावों के साथ जोड़ती है जो एक छात्र को शिक्षक के प्रति, एक छात्र को अपने माता पिता के प्रति, एक छात्र को अपने अतिथि के प्रति देवत्व के भाव के साथ जोड़ता है। यह हमारे संस्कार थे और जब हम अपने शिक्षा के केंद्र को भी इस कार्य के साथ जोड़ते हैं तो वह हम सबके सामने देखने को मिलता है। अब डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यहां से आज भेजा गया, चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पहले 1100 रुपए दिए जाते थे, इसमें 100 रुपए की और वृद्धि करते हुए 1200 रुपए हर छात्र के अभिभावक के अकाउंट में गया है और उस अकाउंट से ये उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक हर छात्र के लिए यूनिफॉर्म बनवाने के लिए उनके अभिभावकों के साथ बैठक करके एक समय सीमा के अंदर यह सुनिश्चित करें कि उनके लिए 2 यूनिफॉर्म बन जाए, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, ये सभी उन बच्चों के लिए क्रय अभिभावक कर ले और बच्चे नियमित रूप से अपनी यूनिफॉर्म में ही स्कूल आए, यह हम सुनिश्चित करें। थोड़ा प्रयास करेंगे, संवाद बनाएंगे, समस्या का समाधान निकलेगा और बच्चों के लिए आंतरित की जा रही धनराशि का सही उपयोग उन बच्चों के लिए हो पाएगा। इसमें 2 चीजें सामने आई हैं। एक जो हर बार शिकायत आती थी, 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले तक शिकायत आती थी, जब हमने 2017 में योजना प्रारंभ की तो शिकायत आती थी कि साहब यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बैग नहीं मिल पा रहा है, बुक्स नहीं मिल पा रही है, और भी तमाम शिकायतें आती थी, जूते मोजों की शिकायत आती थी। उस समय फिर यह व्यवस्था हुई कि अगर हम पैसा बच्चों को दे देंगे, या कुछ जगह ये भी शिकायत आती थी कि सब क्वालिटी का सामान नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, आज कम से कम अभिभावक को जाएगा तो अभिभावक क्वालिटी के अनुसार अपनी पसंद के अनुसार छात्र छात्रा की पसंद के अनुरूप या उसकी साइज की यूनिफॉर्म भी बना देंगी या उसके साइज के जूते मोजे भी ले लेंगे और साथ साथ समय पर सब कुछ हो जाएगा और कहीं कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। यह पारदर्शिता और शुचिता का एक नमूना है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य जी के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से जब इसकी समीक्षा होगी और संवाद बनाया जाएगा अभिभावकों के साथ तो समस्या का समाधान भी होगा और सही आंकड़े हमारे पास आ पाएंगे कि वास्तव में कितने बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं,
वह सही जानकारी हमें यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और इसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी आपने देखा होगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के जो 746 विद्यालय थे इनके क्रमिक उन्नयन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, इन्हें 12वीं तक करने का प्रयास हुआ, और 12वीं तक होने के बाद अब उन विद्यालयों में उनके स्तर को सुधारने की व्यवस्था, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, जो हमारे डाइट के विद्यालय थे, प्रशिक्षण महाविद्यालय थे, उन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ऑडिटोरियम के निर्माण की कार्रवाई, ये हमारी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। और बेसिक शिक्षा परिषद ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया उसी प्रकार से जैसे 17 के पहले की स्थिति क्या थी, शिक्षकों की भारी कमी थी। और मुझे आश्चर्य होता है बेसिक शिक्षा विभाग क्यों इस पे मौन रहता है, जब कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब पिछले 5 साल में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, 164,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने 164,000 शिक्षकों की भर्ती की है, और भर्ती की प्रक्रिया को जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां पे अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है, बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई गैप न हो। लेकिन साथ साथ हमारे जितने भी डाइट हैं, जितने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के केंद्र हैं, इनमें हमें न केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण को, बल्कि जो शिक्षक पहले से विद्यालयों में तैनात हैं, समय समय पर उनके लिए कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज भी हमें आगे बढ़ाने चाहिए, जिससे वो हमेशा अपडेट हो। शिक्षक अगर अपडेट होगा तो पूरी पीढ़ी को अपडेट कर देगा, और मुझे लगता है कि सभी प्रकार की जानकारियों से उसे युक्त होना यह आवश्यक है। और इसके लिए आज अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। 125 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को, जो बालिका इंटर कॉलेज हैं, उन्हें अपग्रेड करने की कार्रवाई हुई है। 20 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त कक्ष और ऑडिटोरियम के निर्माण का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारा प्रयास होना चाहिए डाइट कोई खाली न रहे, वहां भी अच्छे प्रशिक्षक हों, योग्य लोग जाएं, उनको लिए अतिरिक्त सुविधाएं दीजिए, लेकिन वहां योग्यता को मानक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रशिक्षित करेगा। और वहां पर भी हमें अच्छी और अच्छे तरीके से पारंगत करने के लिए, शिक्षकों को और पारंगत करने के लिए, वहां पर पूरी जो भी गैप है उसको हमें पूरा करना होगा। इसके साथ ही आज यहां पर SCERT द्वारा विकसित कलांकुर कला सृजन इंटर्नशिप मैनुअल और संस्कृत भाषा किट का विमोचन भी यहां संपन्न हुआ है। ये जो पुस्तकें आज यहां विमोचित हुई हैं, अभी मैं चाहूंगा हर विद्यालय में ये उपलब्ध कराए जाएं, और विद्यालयों में उपलब्ध करवाने के साथ ही शिक्षक उन्हें जरूर देखें, बच्चों को उससे परिचित कराएं, न केवल सीखने के, अब स्वयं भी सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, बल्कि छात्र छात्राओं को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य अगर आप करेंगे तो उससे काफी अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक मैनुअल का विमोचन भी आज हुआ है। ये जो लर्निंग बाय डूइंग, जो यहां पर आज शिक्षक मैनुअल का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, हर शिक्षक इसको एक बार जरूर देखें। समय लगेगा, लेकिन आपने अगर शिक्षा को अपने कैरियर का हिस्सा बनाया है तो समय तो आपको देना पड़ेगा। प्री प्राइमरी के लिए को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को IIT गांधीनगर के सहयोग से आज यहां पर जो विकसित किया गया है वंडर बॉक्स, 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किया गया है। और प्री प्राइमरी के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए हम लोगों ने बहुत पहले कहा था, कोविड के कारण इस समय बहुत तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन हमें इसको आगे बढ़ाना ही होगा। ये न्यू होगी हमारी बेसिक एजुकेशन की। और जहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उन बच्चों के साथ समय देती है, उन्हें प्रशिक्षित करती है, बहुत अच्छी सकारात्मक दिशा में उन बच्चों के मन में स्कूल के प्रति एक बहुत सकारात्मक भाव पैदा होता है, वो स्कूल जाने के इच्छुक दिखते हैं। लेकिन जहां पे व्यवहार
शिक्षकों के व्यवहार में थोड़ा रूखापन है। वहां पे मैं देख रहा था जिस दिन स्कूल खुले थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे अपने शिक्षकों के व्यवहार के कारण, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उस रूखे व्यवहार के कारण स्कूल जाने से रो रहे थे कि साहब मुझे स्कूल आज मत भेजिए। यानी ये चीजें दिखती हैं, वो बच्चा अपने व्यवहार से इस बात के व्यक्ति कर रहा था कि स्कूल में शिक्षक का व्यवहार या आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का व्यवहार कैसे है, ये हमें स्वयं तय करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी संस्थानों को जिन्होंने CSR के मद से बेसिक शिक्षा परिषद में ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, और आज उनमें से 6 संस्थानों को सम्मानित किया गया है। ये 6 संस्थान तो हमें सहयोग कर ही रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, और इसके अतिरिक्त समाज से जुड़े हुए मानिंदों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी, शिक्षकों ने भी रुचि लेकर के ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयां दी। कोई कल्पना करता था बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 2017 के पहले जिसमें पेड़ उगे होते थे, झाड़ियां उगी होती थी, काई जमी होती थी, आज बहुत अच्छी पेंटिंग के साथ में बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहता है, उसके मन में अब एक जिज्ञासा पैदा हुई है, और अनेक कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद ने निपुण भारत कार्यक्रम के साथ जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, इसने तो बहुत ही सकारात्मक योगदान इस दिशा में दिए हैं, और ऑपरेशन कायाकल्प को और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी जो आज यहां पर CSR के मद से जिन संस्थानों ने योगदान दिया है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि CSR की निधि का इससे बेहतर उपयोग हो ही नहीं सकता है कि हम अपनी पीढ़ी को बना रहे हैं। ये देश की नींव को मजबूत बनाने का कार्यक्रम है, और उस नींव को इस रूप में मजबूत बनाने का काम हो रहा है। DBT के माध्यम से आज यहां पर आपने देखा होगा कि 1200 रुपये प्रति छात्र 1,91,00,000 बच्चों को, मैं जब इस संख्या को देखता हूं तो मुझे बहुत सारे देशों की जनसंख्या याद आने लगती है कि यहां बेसिक शिक्षा परिषद में ही हमारे पास 1,91,00,000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, और बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं है, इतने हमारे यहां बच्चे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे अधूरे में स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट को रोकना, इसके लिए अभिभावकों के साथ संवाद, उनके साथ बातचीत करना। अब तो टेलीफोन हो चुके हैं, आपके पास आपकी क्लास के हर बच्चे के अभिभावक का मोबाइल फोन होना चाहिए। बच्चा स्कूल नहीं आया, तत्काल उस शिक्षक को जैसे आपको समय मिले नोट कर लिया, अपनी डायरी में नोट करिए, और फिर उस शिक्षक उस अभिभावक को फोन से पूछिए क्या आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ पाया। आपके पास समय होगा, विद्यालय जैसे आपका छूटता है अच्छा होगा, 24 घंटे होते हैं, आप 6 घंटे स्कूल में देते हैं, 2 घंटे और सही, गांव में ही तो बच्चा होगा, गांव में ही उसके घर होते हुए आ जाइए, हो सकता है उसके स्वास्थ्य खराब हो, आप उसमें कुछ योगदान दे सकते हो, आप उसको सही राह दिखा सकते हैं कि बुखार है या कोई बात है तो उसको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाइए, लापरवाही ना हो, या हो सकता है परिवार में कोई घटना घटित हुई हो, आप जाएंगे, आप उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर दें, आपके प्रति एक सम्मान का भाव जागृत होगा उन बच्चों के, उन परिवार के लोगों के मन में, एक सकारात्मक दिशा में हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें, और यह ड्रॉप आउट को रोकने का एक माध्यम होगा। ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो समाज में कुछ सकारात्मक योगदान कर पाएंगे, और उस सकारात्मक योगदान को ड्रॉप आउट को रोकना, लेकिन साथ साथ आज आपने देखा होगा कि यहां पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं को भी, 76,000 बालिकाओं को भी स्कॉलरशिप दी गई है, और उनको बालिकाओं को प्रतिवर्ष 1,100 रुपये की दर से छात्रवृत्ति, 19,553 दिव्यांगजनों को 2,000 रुपये के का स्टाइपेंड, और 11,364 ऐसे बच्चे जो बिना सहायता के विद्यालय आने में समर्थ हैं, नियमित विद्यालय आने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से
6,000 रुपए के स्कॉट अलाउंस की डीबीटी का भी आज यहाँ पे हमने वो धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजी है। यानी इतनी बड़ी धनराशि आज बेसिक शिक्षा परिषद 1,91,000 बच्चों के लिए, तो 2,300 करोड़ रुपए की राशि उनके यूनिफॉर्म के लिए, जूता मोजा के लिए, बैग के लिए ये उपलब्ध करवाया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 76,000 बालिकाओं के लिए भी 1,100 रुपए प्रतिवर्ष की राशि उनके अकाउंट में जा रही है और दिव्यांग बच्चों के लिए भी आज एक निश्चित राशि उनके अकाउंट में आज यहां पर डीबीटी के माध्यम से आंतरित की गई है। अब इस राशि का सही सदुपयोग हो, इसके लिए हमें थोड़ी रुचि लेनी पड़ेगी और उस रुचि के लिए ही मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ने चाहिए। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि आज स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए भी कुछ अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। हमें बच्चों के मन में सकारात्मकता पैदा करनी पड़ेगी और इसके लिए ड्राइंग बनाने का कार्यक्रम हो सकता है, एक अच्छा आर्किटेक्ट का माध्यम आप उन बच्चों को अभी से अगर ड्राइंग बनाना सिखा देंगे ना तो आगे चलकर बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन जाएंगे, मास्टर प्लानर बन जाएंगे। एक मास्टर, एक टाउन प्लानर क्या करता है? पूरे टाउन की मैपिंग तो करता है, फिर इसके बारे में एक विजन देता है कि कहां पे क्या होना चाहिए, कहां मार्केट होनी चाहिए, कहां शिक्षा का हब होना चाहिए, कहां चिकित्सा का हब बनना चाहिए, कहां ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए, कहां पे क्या चीजें बननी चाहिए, उसके लिए वो एक विजन देता है। अगर आप केवल अपने विद्यालय के लिए ही इस व्यवस्था को बना ले कि विद्यालय कहां पे है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में भी आप उन बच्चों को ड्राइंग बनाना की कला वहां सिखाना शुरू कर देंगे, यह भी अपना अपने आप एक स्किल डेवलपमेंट का एक माध्यम बन जाएगा। बच्चों को मिट्टी के ही कुछ खिलौने बनाने का अभ्यास आप कराना शुरू कर देंगे, उसके मन में एक नई प्रेरणा पैदा होगी। बच्चों को किचन गार्डन के बारे में भी कुछ जानकारी दे देंगे तो बच्चों के मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी। वृक्षारोपण के बारे में कुछ प्रेरित कर देंगे तो उसके बारे में उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी। मैं बहुत बार देखता हूं, पता नहीं वे लोग पुष्प लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कहीं जाते हैं तो उनका हाथ खाने में कहीं पुष्प लगा, वो गमले से पुष्प जरूर तोड़ देंगे। ये मैं बहुत बार देखता हूं, मुझे बहुत बार लोगों को टोकना पड़ता है, अरे जब लगा नहीं सकते तोड़ क्यों रहे हो भाई, लेकिन तोड़ेंगे जरूर क्योंकि उसको सही रास्ता दिखाया नहीं गया, बताया ही नहीं गया, वो लगा नहीं सकता लेकिन तोड़ने में विश्वास करता। अगर हम बच्चों को बताएं कि देखो अनावश्यक मत तोड़ना चाहिए पुष्प, लेकिन अगर हम लगाने के बारे में बता सकें, विद्यालय में अच्छी सजावट होनी चाहिए, क्यारी बनाइए, बच्चों को उसके बारे में थोड़ा बताइए, शिक्षक भी थोड़ा मेहनत कर ले तो मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों अगर मिल जाएगा तो उसके बहुत बेहतर परिणाम आ जाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम आ जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बाकी अन्य कार्यक्रम तो होंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो हम स्थानीय स्तर पर भी कुछ कर सकते हैं, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की गई है इसको और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज बेसिक शिक्षा परिषद ने परिवर्तन आज दिखता है, आज लोग बोलते हैं इसके बारे में, जनप्रतिनिधिगण आते हैं वो भी इस बात को बोलते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में परिवर्तन हुआ है। अब माध्यमिक शिक्षा की बारी है, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी अनेक पॉलिसी बनाई गई है, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं, बस समय पर निर्णय। माध्यमिक शिक्षा ने इस दौरान नकल विहीन परीक्षाएं दी है, पहली बार रिकॉर्ड मात्रा में, यानी पहले 3 महीने माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा में लगते थे, इस बार मात्र 15 दिन में परीक्षाएं हुई हैं। 2 महीने परिणाम आने में लगते थे, इस बार मात्र 14 दिन में परिणाम आए हैं, यानी 29 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा में जिसमें 56 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, 1 महीने के अंदर
वे सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और कहीं भी नकल नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं आई। ये है परिवर्तन, ये है परिवर्तन, और उस परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करना, ये प्रयास करने से होता है। और नहीं तो होता क्या था, नकल का अड्डा कोई और चलाता था और बदनाम शिक्षक होता था, पूरी शिक्षा व्यवस्था बदनाम होती थी और पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने आता था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आता था। आज उससे उभरे हैं, उससे आगे बढ़े हैं, और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर चाहूंगा कि हम जो परिवर्तन किए गए हैं उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें। ऑपरेशन कायाकल्प सेकंड का जो फेज होगा ये माध्यमिक शिक्षा के लिए होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिका जो GGIC हैं, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, इन सब में और एडेड जो गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन में चलने वाले कॉलेजेज हैं, इन सभी को हम एक समय सीमा के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प 2 के अंतर्गत इनको भी हम वास्तव में कायाकल्प में बदलें। नहीं तो 75 साल और 100 साल पुराने इन विद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर है। अब उनकी बैठक करके एक समय सीमा के अंदर इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही संस्कृत विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है, माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम, माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उन सब के बारे में भी एक कार्य योजना ला करके उन सभी को भी जो हमने स्कीम लागू की है समय से उसको आच्छादित करके क्वालिटी कवर को, कार्य की गुणवत्ता में और कार्य की समयबद्धता में कोई समझौता ना हो और उसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आएंगे। और इसमें जितना भी हम निवेश कर पाएंगे सरकार के स्तर पर या पुरातन छात्रों के माध्यम से या CSR के माध्यम से, यह निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, इस समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। और इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए मैं आप पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करता हूं कि इस सकारात्मकता के साथ जुड़े, इस विश्वास के साथ। एक बार आज 1,91,00,000 वे सभी बच्चे जो आज 1,200 रुपये की राशि प्राप्त किए हैं, 6,000 वे बालिकाएं जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी 1,100 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त की है, और वे दिव्यांग जन छात्र छात्राएं जिनको स्टाइपेंड के रूप में सरकार अतिरिक्त धनराशि देती है, उन सबको इस धनराशि के उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और सभी अभिभावकों का और सभी शिक्षकों का मैं आह्वान करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।